सास चली लंदन। रश्मि की सास को लॉटरी की टिकट खरीदने का बड़ा ही शौक था। रश्मि की सास कमला को हमेशा लगता था कि कभी ना कभी लॉटरी में उसे एक बड़ा इनाम निकलेगा, और इस बार जब कमला ने लॉटरी खरीदी तो सच में ऐसा हुआ। लॉटरी का रिजल्ट देखने के बाद, अरे सुनो मेरे तो लॉटरी लग गई। लॉटरी इतने सालों से टिकट खरीद रही थी, लेकिन इस बार तो मजा ही आ गया। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतना शोर क्यों मचा रही हो? पहले तो लॉटरी के टिकट खरीद खरीद के मेरी सारी कमाई उड़ा दी, और अब इतना शोर। हाँ मम्मी जी, ऐसा क्या मिल गया आपको इनाम में जो आप इतना जोर जोर से सबको आवाज लगा रही हैं? अरे बहू, तुम्हें क्या पता कि मुझे लॉटरी में क्या इनाम मिला है? जरा यहाँ आओ तो दिखाऊं। क्या हुआ माँ, बहुत खुश लग रही हो, जरूर कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई है आपको। हाँ बेटा, तुम सब मेरा मजाक बनाते रहते हो ना, ये देखो लॉटरी में मेरा लंदन का टिकट निकला है, अब तो मैं लंदन घूमने जाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। अब लेकिन इसमें मैं भी साथ जा सकता हूँ ना, कहीं तुम अकेले जाने की तो नहीं सोच रही हो? अरे कैसी बात कर रहे, आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, भला आपके बिना मैं इतनी दूर लंदन कैसे जा सकती हूँ। हाँ माँ जी, और आपका अकेले जाना ठीक भी नहीं, आप तो कभी शहर से भी बाहर अकेले नहीं गई, पापा जी साथ होंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अरे रहने दो बहू, तुम तो ना चुप ही रहो, एक तुम ही हो जिसे मेरी लॉटरी के टिकट खरीदने से सबसे ज्यादा परेशानी थी, अब देखना। अरे माँ, अब वो सारी बातों को छोड़िए ना, चलिए लंदन जाने की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद, अरे रश्मि सुनती हो, जरा मेरे साथ शॉपिंग करने तो चलो। अरे भाई, मुझे लंदन जाने के लिए कपड़े जो खरीदने हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं मम्मी जी, चलिए हम दोनों बाजार चलते हैं, मैं आपको लंदन जाने के हिसाब से कुछ मॉडर्न कपड़े दिला दूंगी। देखो तो रश्मि, कितनी खूबसूरत साड़ी है, इसे पहनकर तो मैं एकदम हीरोइन लगूंगी। अरे मम्मी जी, वहाँ लंदन में जाकर भी क्या आप साड़ी ही पहनेंगी? वहाँ तो आपको जींस टॉप ऐसा पहनना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैंने तो कभी सलवार कुर्ता भी नहीं पहना, और तुम मुझे जींस पहनाने की बात कर रही हो। मम्मी जी, वहाँ लंदन में कोई भी ये सलवार कुर्ता या साड़ी नहीं पहनता, वहाँ जाकर तो आपको ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। अरे भगवान, ये कहाँ फंस गई। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो ले ही लेती हूँ। उसके बाद रश्मि ने अपनी सास कमला को काफी मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े खरीदवा दिए, और दोनों सास बहू घर आ गई। दो दिन के बाद ही कमला अपने पति के साथ लंदन जाने के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने के बाद दोनों एक बड़े से होटल में जाकर रुकते हैं। अरे बाप रे बाप, कितना खूबसूरत होटल है, इस बार तो मेरी लॉटरी नहीं लगी, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मेरे कदमों में आ गई। वो बात तो ठीक है कमला, लेकिन ध्यान रखना, हम दूसरे देश में आए हैं और यहाँ के कुछ नियम कायदे हमें मानने चाहिए, वरना लोग हम पर हंसेंगे। आपके कहने का क्या मतलब है, मैं क्या गवार हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अरे इन औरतों को तो देखो, कितने छोटे कपड़े पहने हैं, हे भगवान, शर्म भी नहीं आती। मैं अभी जाकर दो चार खरी खोटी सुनाकर आती हूँ, तब अकल आएगी। अरे नहीं भाग्यवान, ये क्या करने जा रही हो तुम, ये लंदन है लंदन, यहाँ पर लोग इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, अगर तुमने उन्हें कुछ कहा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शाम को कमला डिनर के वक्त अपने होटल के कमरे में खाना ऑर्डर करने के लिए अपने पति से कहती है, देखो जी, मेरा तो कढ़ी चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है, जल्दी से ऑर्डर कर दो ना। आई बड़ी कढ़ी चावल खाने वाली, अरे यहाँ नहीं मिलता ये सब। हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं जी, मुझे तो वही खाना है, और अगर कढ़ी चावल नहीं है तो मेरे लिए छोले पूरी मंगवा दीजिए, उसी से काम चला लूंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम लंदन नहीं दिल्ली घूमने आई हो। अरे भला यहाँ लंदन में तुम्हें कढ़ी चावल छोले पूरी कौन ला कर देगा? तो फिर यहाँ खाने को क्या मिलेगा? वही सब जो यहाँ के लोग खाते हैं, विदेशी लोग, समझी, तुम्हें वही खाना होगा। हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा तो लॉटरी का टिकट ऐसे ही बेकार हो गया,
अरे इतनी दूर लंदन आने के बाद मन का खाना भी ना मिले, ऐसे लॉटरी निकलने का भी क्या फायदा। अरे रोना बंद करो। देखो कमला, तुम्हारी बात सही है, हम तो अपने देश में ही ठीक थे। किसी तरह कमला और उसका पति लंदन का खाना खाते हैं, लेकिन कमला वहां पहुंचने के बाद बहुत उदास थी और जल्दी वापस अपने घर आना चाहती थी। कमला और उसका पति 2 दिन लंदन घूमते हैं और उसके बाद जब वापस आने लगते हैं, देखो तो यहाँ होटल के कमरे में कितने सुंदर सुंदर शैम्पू लोशन हमें मिल रहे हैं, मैं ना ये सब लेकर चलती हूँ, बहू देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी और मैं भी बड़े शान से दिखाऊंगी उसे ये सब। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे क्यों जी, जब हम अपने देश में किसी होटल में रुकते हैं तो वहाँ भी तो शैम्पू की बॉटल, लोशन, क्रीम, टूथपेस्ट सब भर भर कर लाते हैं, तो यहाँ से ले जाने में क्या बुराई है। अरे कमला, ये हमारा देश नहीं लंदन है, यहाँ पर यह सब करना अलाउड नहीं होता। अगर तुमने अपने बैग में इन सब चीज़ों को रख कर ले जाने की कोशिश की तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, होटल का स्टाफ हमें होटल से बाहर ही नहीं जाने देगा। अरे बड़ा अजीब देश है, इससे तो अच्छा हमारा देश ही है, वहाँ पर कम से कम जो भी चाहो होटल से उठाकर चुपचाप घर ले जाओ, कोई कुछ नहीं कहता। हाँ कमला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब यहाँ तो यहीं के हिसाब से चलना होगा ना। अगले दिन कमला और उसका पति वापस अपने घर पहुँच जाते हैं। क्या हुआ माँ, कैसा लगा लंदन, बहुत मजा आया होगा ना। अरे बेटा रहने दो, तुम्हारी माँ तो लंदन जाकर पूरी तरह परेशान हो गई। ऐसी क्या बात हो गई मम्मी जी, आप तो बहुत खुश होते हुए लंदन गई थी ना। अरे एक तो तुम्हारे ये कपड़े, जींस टॉप पहनकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कपड़ों में फंस गई हूँ। लेकिन माँ, रश्मि ने तो आपको लंदन जाने के हिसाब से ही शॉपिंग करवाई थी ना। अरे मुझे नहीं पहनना ये जींस टॉप, मेरी तो कमर में दर्द हो गया और पैरों में ऊंची एड़ी के जूते पहनकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे तो पैर ही गायब हो गए हैं, कितना दर्द कर रहा है। जानते हो, तुम्हारी माँ को तो वहाँ का खाना भी अच्छा नहीं लगा, कह रही थी कि छोले पूरी खाना है। अरे माँ, लंदन में कहाँ छोले पूरी, वहाँ तो वहीं के जैसा खाना खाना पड़ता है। अरे आगे से ना, ना तो मुझे लॉटरी का टिकट खरीदना है और ना ही लंदन जाना है। और बहू, तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल बना दो, वो खा लूंगी तो शायद मेरा लंदन जाने का दुख थोड़ा कम हो जाए।